जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने परिवार से बात की, माता जी से बात की, उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई, न्याय मिलेगा इनको। देखिए फांसी दो, ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ, मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। यहाँ इस मामले में आया हूँ, अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँगा। मैं कलकत्ता केस, तो क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे थे, रायबरेली पहुंचे हुए हैं, वो आपने सुना।